स्वागत है आपका फटाफट ज्ञान में। और आज हम बात करने वाले हैं जो भारतीय रेल में जो जॉब निकली है, अभी 62,000 से ज़्यादा अधिक पद निकाले हैं भारत सरकार रेल मंत्रालय ने, तो आज हम उस जॉब के बारे में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी कि कब से स्टार्ट है एप्लीकेशन और इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, क्या योग्यता है, परीक्षा शुल्क क्या है और परीक्षा का जो पैटर्न है, मतलब किस तरह से परीक्षा ली जाएगी, और इसके अलावा क्या सिलेबस रखा है इस परीक्षा के लिए, मैं सारा इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और शुरुआत करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं कि है क्या ये जॉब के बारे में सारी डिटेल्स हम देख लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, प्रकाशन की जो तिथि, मतलब 10 जो आपका है वो 10 फरवरी को इसका अब वो आया था, अपडेट हुआ था ये, और इसकी लास्ट डेट बताई गई है 12/3/2018 को लास्ट डेट है, मतलब आपको स्टार्ट करना है 10 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। और जो लास्ट डेट रखी गई है अप्लाई करने की, वो रखी गई है 12 मार्च 2018, ठीक है। और जो एग्ज़ाम होगा वो होगा कंप्यूटर आधारित टेस्ट, इनकी CBT होगा। और अभी संभावित है, माना जा रहा है, अभी टेंटेटिव है, अप्रैल तथा मई 2008 के दौरान हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं बताया, लेकिन उन्होंने टेंटेटिव अभी दे दिया कि अप्रैल मई मान के आपको चलना है। भारतीय रेलवे के विभिन्न इकाइयों में 7वें जो भी वेतन रहेगा वो सारा इन्होंने दिया हुआ है, और 12 मार्च लास्ट डेट जो कि आपको बता दिए, ठीक है। अब महत्वपूर्ण निर्देश हम देख लेते हैं। तो उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदन प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि तक निर्धारित योग्यता रखते हो, मतलब इन्होंने जो योग्यताएं रखी हुई हैं वो आपको लेनी है। और निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के लिए परिमाण की प्रतीक्षा करने वाले, अगर किसी का रिजल्ट आने वाला है 12 मार्च से पहले अगर रिजल्ट आता है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी का रिजल्ट अभी वेटिंग में वो नहीं आया है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन की गई जानकारी के आधार पर अभ्यर्थी की पात्रता पर विचार किया जाएगा। अब अभ्यर्थी को आवेदन की प्रति, प्रमाण पत्र की प्रति संबंधित RRB को डाक से भेजने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मतलब जितना भी काम हो रहा है ऑनलाइन हो रहा है, आपको अलग से भेजने की आवश्यकता नहीं है। और यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आवेदन किए जा रहे पद से संबंधित चिकित्सा मानकों को पूर्ण करते, मतलब इन्होंने जो आपको चिकित्सा मानक दी, मतलब आपका इन्होंने एक मानक रखा है, मतलब एक अपने उस नोटिफिकेशन में डाल के रखा है कि आप इनकी जो इनका जो मेडिकल इन्होंने रखा हुआ है टाइम टेबल, या जो कहते हैं एलिजिबिलिटी रखी है कि हाँ चिकित्सा मानक में आपके पास इतना है तो ही आप अप्लाई करें, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए हम और अदर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि और क्या रखा है, ठीक है। चलिए और देखते हैं किस तरह से क्या विद्यमान है और हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उम्मीदवारों को रिक्त तालिका देखना आवश्यक है, मतलब आपको देखना कि कहाँ पे कौन सी जगह निकली है, उसके आधार पर ही आप चुनें। और वेतमान जो इन्होंने बोला है, आप ये देखिए, वेतमान है वो 7वें केंद्रीय वेतमान जो आयोग होगा, मैट्रिक स्तर 01, प्रारंभिक वेतन 18,000, और अन्य जो भी भत्ते रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के वो रहेगा। अब आयु देख लेते हैं, तो जो आयु है वो 1/7/2018 की स्थिति के अनुसार आपकी 18 से 31 वर्ष होना चाहिए, और आयु में जो भी छूट है वो सरकार के अकॉर्डिंग जो भी गवर्नमेंट देती है उस हिसाब से आपको छूट दी जाएगी। परीक्षा का जो चरण है, तो कंप्यूटर आधारित CBT परीक्षा ली जाएगी, और इसके अलावा जब परीक्षा उत्तीर्ण होने वालों को फिर सारे दक्षता उत्तीर्ण भी करना आवश्यक होगा, और कंप्यूटर आधारित CBT परीक्षा के अंकों का मानकीकरण किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, देन उसके बाद आपका जब आप उत्तीर्ण हो जाएंगे तो आपका शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल टेस्ट भी होगा। नेगेटिव मार्किंग देख लीजिए, तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा में गलत उत्तरों के लिए नेगेटिव मार्किंग भी इन्होंने करके रखी है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग भी इन्होंने करके रखी है, जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 1/3 अंक, ठीक है, 1/3 अंक गलत उत्तर के लिए काट दिए जाएंगे। परीक्षा हाल के अंदर मोबाइल फ़ोन और पेन ड्राइव ये सब इन्होंने, जो कि हर परीक्षा में होता है, और रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पूरी होने तक जो कि भर्ती से संबंधित प्रति सूचना केवल SMS या ईमेल से भिजवाई जाती है, उम्मीदवारों के पास अपना मोबाइल नंबर और वैध कार्य चालू ईमेल होना चाहिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है तो आप तक पहुँच सके। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध केंद्रीय सूचना में दिए गए निर्देश सूचना को अच्छी तरह से पढ़ लें, देन उसके बाद ही आपको अप्लाई करना होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, और इनका क्या है नेक्स्ट जो है वो देखते हैं, सामान्य निर्देश क्या दिए हुए हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। और क्या किस तरह से होगा, आपको क्या करना है, वो सारा
हमें देखना होगा। ओके, तो चलिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं ये देख लेते हैं। उम्मीदवारों को अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, SLC, मैट्रिक परीक्षा, प्रमाण पत्र के अनुसार ही भरना होगा, जो ही 10th के आपके एग्जाम रहता है। और उम्मीदवार सभी दस्तावेज अंग्रेजी में, हिंदी में, रनिंग हैंड राइटिंग में एक समान हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। ये ब्लॉक या कैपिटल अथवा असंबद्ध अक्षरों में नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर आदि परीक्षा PET तथा दस्तावेज सत्यापन TV इत्यादि के समय विभिन्न स्वरूप अथवा वास्तव में किए जाने वाले हस्ताक्षर के परिणाम स्वरूप उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो रिक्तियाँ निकली हैं वो अस्थाई हैं, तो बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं, या कुल में शून्य भी हो सकती हैं। ठीक है, या किसी विशेष समुदाय पदों यूनिट के संबंध में रेलवे प्रशासन के वास्ते सकते हैं, पद में बदल भी सकती हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी किया जा सकता है, इन्होंने ये लिख के दिया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। और इन्होंने क्या रखा है, हमारा जो मेन है वो ये देखना है कि इन्होंने क्या रखा है, क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए हम क्वालिफिकेशन पे देख लेते हैं और रिक्तियाँ देख लेते हैं कि कहाँ कितनी रिक्तियाँ निकली। ओके, चलिए तो जो रिक्तियाँ हैं वो हम देख लेते हैं। तो रेलवे भर्ती बोर्ड और जो भी इन्होंने दी है आप देख सकते हैं, अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, ठीक है, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, रांची, सिकंदराबाद। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनारक्षितों के लिए 31,000 और मतलब पिछड़ी जाति के लिए 9,400, और फिर ST के लिए 5,000, फिर ये 16,000, कुल मिला के इन्होंने जो निकाली हैं, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 62। यहाँ पर इन्होंने टोटल में कुछ गड़बड़ किया है, मतलब लगभग इतनी निकली हुई है वैकेंसी। और आपके भोपाल में 1700, अहमदाबाद में 3,000, मतलब काफ़ी अच्छी निकली हुई है। ठीक है, अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि हमें ये देखना है कि रिक्तियाँ क्या, मतलब मानक इन्होंने क्या रखा है, मेडिकल, ठीक है, चिकित्सा मानक। चलिए, तो चिकित्सा मानक में हमें देखना है कि चिकित्सा मानक इन्होंने क्या रखा हुआ है। तो दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को अपेक्षित चिकित्सा की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। तो देख लेते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आपका सामान्य युक्त शारीरिक तौर पर दूरदृष्टि होना चाहिए 6x9 बिना चश्मा के, और नज़दीकी दृष्टि SN 0606 बिना चश्मा के। ठीक है, B1 शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए, और दूरदृष्टि 6x9 6x12। ठीक है, और जो भी होगा आपका रंग दृष्टता, रात्रि दृष्टता, ये सब आपकी देखी जाएगी, C1 B2। ठीक है, दूरदृष्टि 6x12 6x18, चश्मे के साथ अथवा बिना। ठीक है, और उम्मीदवार को सूचित किया जाता है भारतीय चिकित्सा मैनुअल खंड 1 के अध्याय में आप देख लें, और इंडियन रेलवे .gov.in पर जाकर के भी आप देख सकते हैं कि और क्या क्या है, बाकी नोटिफिकेशन इनके द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए, अब हमारा है कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो भारत का नागरिक, नेपाल का मूल निवासी, भूटान का मूल निवासी, ठीक है, ये सब आवेदन कर सकते हैं। और आयु सीमा, तो आयु सीमा आपको बता चुकी हूँ मैं, फिर भी देख लेते हैं। आयु सीमा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5 साल की छूट है, ठीक है, अन्य पिछड़ा क्रिमी लेयर के लिए 3 वर्ष, भूतपूर्व के लिए प्रतिरक्षा बलों को प्रदान की सेवा के काल तक 3 वर्ष, दिव्यांग यानी PWT 10, दिव्यांग व्यक्ति यानी पिछड़ा वर्ग 13 वर्ष, और दिव्यांग अनुसूचित जनजाति के लिए 15 वर्ष। ठीक है, और जो जम्मू कश्मीर के समय का इन्होंने 5 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, फिर अलग यहाँ अनारक्षित, मतलब अलग अलग खंडों के लिए इन्होंने अलग, जो विधवा तलाकशुदा पति की न्यायिक रूप से अलग रहने वाली है लेकिन दोबारा विवाह ना करने वाली महिला के लिए 35 वर्ष इन्होंने करके रखा है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। और जिस पद के लिए न्यूनतम योग्यता ITI कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिस, ऐसे पद को अप्लाई करने वाले कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिस की जो उम्मीदवार है, वो उन्होंने ये कहा कि 1961 के तहत जैसी भी होगी वो की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, उम्मीदवार की जन्मतिथि क्या है। ठीक है, मतलब इन्होंने जन्मतिथि क्या रखी है वो हम देख लेते हैं। ओके, चलिए, तो जो जन्मतिथि है वो देख लेते हैं, 18 से 31 बोला है इन्होंने, और अनारक्षित 2/7/1987, मतलब 2/7/1987 के पहले का नहीं होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग 2/7/1984 का नहीं होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति का 2/7/1982 के पहले का नहीं होना चाहिए, और आपका जन्मतिथि की निचली सीमा उन्होंने रखी है 1/7/2000। ठीक है,
और अनारक्षित रिक्तियों के लिए प्रति आवेदन करने वालों से जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग गैर क्रिमिलियर उम्मीदवारों के लिए आयु सूची जो है वो लागू नहीं होगी। ठीक है, और उम्मीदवार के प्रावधान दें कि उनके द्वारा आवेदन के समय दर्ज की गई जन्मतिथि वही होनी चाहिए जो आपके टेंथ मतलब जो आपका मैट्रिक या SSLC होता है उसके अनुसार ही होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन के संबंध में आगामी में प्राप्त अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, बड़ी सावधानी पूर्वक आपको अपना फॉर्म फिल करना है। चलिए अब हम देख लेते शैक्षणिक योग्यताएँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है शैक्षणिक योग्यताएँ। तो केंद्रीकृत रोजगार सूचना में अधिसूचित पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार आपके पास NCVT SCVT से प्राप्त शैक्षणिक तकनीकी योग्यताएं, ठीक है, शैक्षणिक तकनीकी योग्यताएं जो उन्होंने बोला है, आप यहां पर देख लीजिए कि कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में कन्फ्यूज होता है कि यार क्या कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। ओके, सो देखिए NCVT SCVT और तकनीकी योग्यताएँ उम्मीदवार के पास होनी चाहिए और उम्मीदवार को आवेदन नहीं करना मतलब जिनके पास नहीं है और कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप ITI के स्थान पर इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री स्वीकार नहीं की जाएगी। कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के स्थान पर ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिस स्वीकार नहीं की जाएगी। ओके, तो आपने सुन लिया, आप ITI उन्होंने मांग लिया है कंपल्सरी। और इसके अलावा शुल्क भुगतान देख लें तो जो आपका शुल्क है वो 500 रुपये है सभी वर्गों के लिए और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति भूतपूर्व सैनिक दिव्यांग महिलाओं इन सब के लिए है सिर्फ 250 रुपये। ठीक है, ये आप देख लीजिए परीक्षा शुल्क, ठीक है, और 500 और महिलाओं के लिए और अनुसूचित जाति के लिए 250 की जो राशि है शुल्क की धनवापसी कंप्यूटर आधारित परीक्षा भाग लेने पर बैंक प्रभार काट कर की जाएगी, अब वो भी अनुसूचित जातियों के लिए। ठीक है, और शुल्क आप किस प्रकार दे सकते हैं, डेबिट क्रेडिट इंटरनेट से, आप 12 मार्च 2018 को 22 बजे तक शुल्क भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से भी चालान बनवा के दे सकते हैं या फिर आप पोस्ट ऑफिस चालान भुगतान भी कर सकते हैं। ठीक है, और अन्य पेशेवर और देख लेते हैं, हम सारा ही देख रहे हैं इसमें, आपको एक ही बार में देख लेते हैं कौन कर सकता है अप्लाई कौन नहीं कर सकता है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ओके, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए इन्होंने अलग से दिव्यांग के लिए अलग से जो इन्होंने देकर रखा है। ठीक है, अभी हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एग्ज़ाम कैसा होना है किस तरह से होना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, मेडिकल इन्होंने दिया हुआ है रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के अनुसार जिस तरह से होना चाहिए। अभी भर्ती प्रक्रिया देख लेते हैं, भर्ती प्रक्रिया किस तरह से होगी। तो उम्मीदवार को रेलवे भर्ती बोर्ड की कार्यालय वेबसाइट पर प्रावधान लिंक अपनी चुनी गई रेलवे भर्ती बोर्ड सबसे पदों के लिए ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, मतलब आप जिस शहर से हैं उसके लिए भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण प्रक्रिया कंप्यूटर परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शामिल है। ठीक है, और कंप्यूटर आधारित शारीरिक दक्षता परीक्षण तथा दस्तावेज सत्यापन एवं अतिरिक्त क्रियाकलाप के लिए तिथि समय स्थल निर्धारण रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा किया जाएगा। अब जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर आधारित आपका टेस्ट होना है, सबसे पहले CBT, और आप इसके जो डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड, ठीक है, इसकी वेबसाइट से दिनांक समय जहां भी होना है। कुल अवधि आपकी 90 मिनट, प्रश्नों की संख्या है आपकी 100। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन है आपके, और विभिन्न वर्गों के लिए न्यूनतम योग्यता मतलब कौन माना जाएगा क्वालिफाई, अनारक्षित अगर 40% लाते हैं तो क्वालिफाई है, पिछड़ा वर्ग 30% लाते तो क्वालिफाई है, अनुसूचित जाति 30% लाती तो क्वालिफाई है, और ST भी 30 लाती है तो क्वालिफाई मानी जाएगी। और जो आपके दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, ठीक है, जो दिव्यांग है मतलब डिसेबिलिटी है, उनके लिए 2% की और छूट प्रदान की जाएगी, मतलब अगर वो 28% भी लाते हैं तो उनको क्वालिफाई माना जाएगा। ओके, तो ये हो गया, अब हम अदर देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है हमारा वो ये है कि सिलेबस क्या है आपका एग्ज़ाम का। ठीक है, तो चलिए हम सिलेबस देख लेते हैं कि क्या आना है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में। ओके, तो क्वेश्चन प्रश्न का जो तरीका पाठ्यक्रम देख लेते हैं, तो सबसे पहला आपका होगा गणित, गणित में आपकी संख्या पद्धति, बॉड मास, दशमलव, भिन्न, लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, मेंसुरेशन, फिर समय और कार्य, समय और दूरी, साधारण चक्रवर्ती ब्याज, लाभ हानि, बीज गणित, और आपका आना है ज्यामिति। ठीक है, और आयु की गणना, कैलेंडर और नल और टंकी। ठीक है, तो आप मेरे
चैनल में जाकर के मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट काफ़ी टॉपिक मैं डन कर चुकी हूँ। आपको नंबर सिस्टम डाल चुकी हूँ और आपका LCM HCM मैं डाल चुकी हूँ एंड रेशियो डाल चुकी हूँ, परसेंटेज डाल चुकी हूँ एंड आपका ज्यामिति में मैं त्रिकोणमिति डाल चुकी हूँ। अब मुझे टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो भी मैं जल्द से जल्द अपलोड करूँगी, तो आपकी जो भी रेलवे एग्जामिनेशन है उसके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, एंड आपका जो रीजनिंग है उसमें आपका अनुरूपता, वर्ण क्रमानुसार, संख्या श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएं, संबंध प्रतीकों द्वारा प्रस्तुति, ठीक है, बेनारी खाएगा, निर्वचन और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय लेना, समानताएँ और तर्क शक्ति में जितने प्रकार के आते हैं वो सब पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान में आपका 10वीं स्तर के पाठ्यक्रम के भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा जैविक विज्ञान शामिल होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो आपका साइंस आना है वो 10वीं स्तर के पाठ्यक्रम के भौतिक, रसायन विज्ञान तथा जैविक विज्ञान होंगे शामिल। और समय स्कीम में आपका जागरूकता विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेलकूद, संस्कृति, व्यक्ति विशेष, राजनीति और जो भी करंट अफेयर वो आएगा। फिर आपका शारीरिक दक्षता में आपका कंप्यूटर आधारित परीक्षा मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए RRB से में अधिसूचित पदों के लिए समुदाय बार कुल रिक्तियों की दुगना बुलाया जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद PET उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और यह अर्हता प्रकार होगा जो इस प्रकार से दिया हुआ है। तो आप देख लेते हैं इन्होंने क्या दिया हुआ है आपका लिए, कि आपको क्या लाना जरूरी है, किस तरह से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, तो चलिए देख लीजिए। तो पुरुष उम्मीदवारों के लिए देख लेते हैं उन्हें क्या करना होगा क्वालिफाई करने के लिए। पुरुषों के लिए 35 किलोग्राम वजन को उठाकर 2 मिनट में एक अवसर में वजन को नीचे गिराए बिना 100 मीटर तक चलना होगा, या 1000 मीटर की दूरी को 4 मिनट 15 सेकंड में एक ही अवसर में दौड़ना होगा। महिलाओं के लिए 20 किलोग्राम वजन को उठाकर 2 मिनट में एक अवसर में वजन को नीचे गिराए बिना 100 मीटर तक ले जाना होगा, या फिर 1000 मीटर की दूरी को 5 मिनट 40 सेकंड में एक ही अवसर में दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। और दस्तावेज सत्यापन वही होगा कि आपका CBT क्लियर हो जाएगा। PET में आप जब क्वालिफाई कर लेंगे तो 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार बराबर अंक प्राप्त होते तो उनकी मेरिट स्थिति का उनकी उम्र संबंधी मानदंड से किया जाएगा, मतलब जिसका उम्र ज़्यादा होगा उसको पहले रखा जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इम्पॉर्टेंट है कि आपको आवेदन कैसे करना है, तो वो हम देख लेते हैं कि आवेदन आपको कैसे करना है, ठीक है। सो आवेदन के लिए आपको जो बोला है कि RRE की रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आपको करना है, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, देन आप वहाँ जाके अपना ऑनलाइन आवेदन फिल कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपको बताई दी है, आपको ये भी बता दिया है कि एग्ज़ाम फीस क्या है, ओके। सो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट सिलेबस, अबाउट एग्ज़ाम फीस, अबाउट क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, कि कौन कौन सी पर्सन इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड आपका एज लिमिट क्या होगा, लास्ट डेट, स्टार्टिंग डेट, ठीक है। तो एवरीथिंग एक्सप्लेन कर दिया है मैंने आपको, और एनी डाउट्स सो आप डायरेक्टली इसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर जाकर के और अच्छे से इस नोटिफिकेशन को देख सकते हो। सकता है कोई चीज़ छूटी हो, बट मैंने सारी चीज़ आपको बता दी हैं, ठीक है। आपका PPT मतलब आपका फिजिकल टेस्ट, ठीक है, CBT सिलेबस क्या होगा। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।